तो जी तो सुबह के बज गए हैं 7:15। हाँ बेटा, पापा है, टाटा नहीं है। और ये लड़की उठ चुकी है, 5 बजे से उठी हुई है। दूध की लोटी थी क्योंकि रात को ये सोई थी। कितने बजे? 10 बजे सो गई थी। इसके साथ फिर 1 घंटे बाद हम भी सो गए और ये 5 बजे से उठी हुई है। तो अब ये फुल चार्ज्ड अप है, तो नहीं सो सकते अब, है ना निको? बाल सारे आंख पे आ रहे हैं, बाल क्लिप लगा के थक जाओ, हटा देती है क्लिप सारे रोबेंस। तो जी जो सुबह के बज रहे हैं अभी 10, और जो है हमने अभी नाश्ता करा है, पोहा बनाया था। मैंने कोशिश करी कि मैं वैसा बना पाऊँ जैसा हमारी चाची बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को उनके हाथ का पोहा, उसका अलग ही बात होती है। एनीवेज पर ट्राई किया था पर वो वैसा बना नहीं, पर फिर भी ठीक था। और निक्कू अभी यहाँ पर सो रही है पूरे अच्छे से फरांटे मार के। और जो है जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है रेगुलर बेसिस पे, अब और डेली ऑलमोस्ट डेली आते रहेंगे ब्लॉग, और आए भी हैं। तो अब एप्पल टू एप्पल मेरे को ट्रांसफ़र करना होता है ये फ़ोन से लैपटॉप में, तो हम एयर ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब पता नहीं अचानक से 2 दिन तो सही से चला एयर ड्रॉप, अब लैपटॉप का एयर ड्रॉप नहीं चल रहा है। पता नहीं मेरे को फ़ोन का नहीं चल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता फ़ोन करना से लैपटॉप का ही होगा क्योंकि वो पुराना हो गया बहुत, तो उससे अब कुछ डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा ना। इसकी केबल है, इसकी केबल सी टाइप वाली है और उसमें लगती है ए टाइप, तो अभी मैंने वो केबल भी मंगा ली है, आज आ जाएगी अभी 2 बजे तक। फिर हम अपनी ब्लॉगिंग ब्लॉग का एडिट करेंगे। फ़ोन में तो मैंने कर लिया पूरा एडिट, ब्लॉग को लगा दिया सीक्वेंस में, और उसमें उस म्यूज़िक व्यूज़िक जो हम आगे पीछे काम करते वो करेंगे, फिर उसको अपलोड कर देंगे, तो आप देख लेना। तू देख रही है ब्लॉग जी? हाँ, कितने बार दिखाई मेरे को, लाइक करा तूने? नहीं करती, मैं वहाँ से तो मेरे ही आईडी से लॉग इन। मेरा नहीं था। नहीं ऐसे होता तो घर वालों आप लोग जरूर से लाइक किया करो, वीडियो कमेंट भी किया करो एक एक। जब तक कमेंट या लाइक नहीं करोगे, देखो वीडियो आगे बढ़ती कैसे है, एंगेजमेंट से बढ़ती है। सो जब तक आप एंगेज नहीं होंगे हमारी वीडियो से, कुछ भी कमेंट कर दो, स्माइली भेज दो यार, थम्स अप भेज दो, दिल भेज दो, आधा मेरे आधा तुम्हारा, ठीक है? तो इससे एंगेजमेंट जब होती है ना किसी वीडियो पर, तो फिर यूट्यूब उसको रिकमेंड करता है आगे। लाइक्स और कमेंट्स पे डिपेंड करता है हमारा वीडियो आगे जाएगा या नहीं, व्यूज़ पे नहीं। देखने वाला तो एक क्लिक करेंगे, खोलेंगे वीडियो, बंद करके चले जाएंगे, ठीक है? तो जो भी एल्गोरिथम होता है उसका यूट्यूब का, वो यही फॉलो करता है, लाइक्स एंड कमेंट्स। जितनी अच्छी एंगेजमेंट होगी उतना अच्छा उसका आगे क्या बोलते हैं यूट्यूब पर रिकमेंडेशन होगी हमारी वीडियो की। सो कर देना, ठीक है? उड़ गई तुम है भाई, मेरी लड़की की स्पाइक्स देखो आप लोग, ज़रा कितने बढ़िया है, चारों तरफ तारे ज़मीन पर बनी हुई है हमारी लड़की निकुड़। तो आपने क्या खाया अभी तक निकु? हैं है बेटा, दो चूजे वाले क्या बोलते हैं निवाले पोहा बनाया था, उसमें दही मिला करके खिला रहे इसको। पर ये लड़की देखो स्पाइक वाली लड़की भी सो के उठ गई, तो झाऊ बनी पड़ी एकदम। ओए मेरी झाऊ, ये क्रीम खाती है ये, इसमें से निकाल निकाल के क्रीम खाती है ये, है ना निको? नहीं मना कर दिया, देखो सीधे मना। ओ किसका ये? ओ वाओ, निको पैसे दे दो, निको पैसे दे दो, निको पैसे दे दो, दे दो प्लीज निको प्लीज, चली गए दे दो प्लीज, लो थैंक यू, गिव इट टू मी, कम ऑन लो दे दे। अरे ये नहीं पैसा चाहिए मेरे को, पैसा मांगता हमको रे, पैसा निकलो, गिव मी पैसा, थैंक यू। ओ देख के वापस नहीं लेते, अरे छोड़ दे छोड़ दे, फट जाएगा रे। क्या कह रही है? घर के 4 काम है अभी से, 2 है क्योंकि वो स्टार्टिंग वाले हैं, तो इनमें से कौन सा एक आप चूज करेंगे और एक मेरे छोड़ेंगे, ठीक है? दिखाई दे रहा है पीछे से?
हाँ रुक जा तू, ये अपनी परेशानी में कौन सा वो तो धुल चुके है शायद नहीं है मेरा है डस्टिंग एंड घर ठीक करना करो बेटा ठीक है वो तो मैं कर रही हूँ जा बेटा कर लेती हूँ घर ठीक करो करो थैंक यू सो मच बर्तन बहुत ज्यादा नहीं है किचन आता है क्या बर्तन में नो बेटा बर्तन मतलब बर्तन किचन तो ऐसे भी साफ है हम साफ करते हाथ के जाओ भगवान ऐसी शक्ल होती है जब फंस जाते हैं तो नहीं मैं हैप्पी विद दैट ऑल इसने सोचा था मैं नीचे वाला पकड़ूंगा ऊपर वाला पकड़ूंगा ना अभी दो और काम है पहले ये कर लेते प्रोजेक्ट का सामान इधर भी रखेंगे अच्छा तो हो गई है घर की सफाई शुरू और छुट्टियां स्टार्ट हो गई तो ये सब काम भी होने जरूरी है छुट्टियों में सबसे पहला काम यही है क्योंकि हमारे घर में गंद जल्दी मचेगा और मचने जा रहा है क्योंकि हम काम शुरू करेंगे अपने सारे मैं कुछ सोच रही प्रोजेक्ट से तो ऐसा ही होगा सोच रही थी इस कमरे में एक बात बोलूं वैसे ज्यादा मत सोचा कर अब बता क्या सोच रही थी बता इस लड़की का हम क्या करें आप ही बताओ है भाई ओए घुस गई टीवी में पूरे दिन चलता रहता दिमाग चाटता है ये भी कोको मेलन भी ना 1 2 3 4 5 6 ये लड़की लोगों भी बोलना शुरू हो जाएगी कोको मेलन मत दिखाओ ये मत करो जब काम करते हैं तब इसको बैठा देते जब ये रो रही होती तब बैठा देते क्या चल रहा है साहब वैसे जिद नहीं करती है कोको मेलन देखने के लिए तो इसको ऐसी कोई आदत नहीं है कुछ थोड़ी ना करती है इशारा टीवी की तरफ कि मेरे को ये दिखाओ है ना निकुला तो अभी तक आप भी नोटिस कर रहे होगे मैं भी बड़ी देर से नोटिस कर रहा था ये वीडियो इतनी डल क्यों बन रही है तो पता नहीं कैसे मेरा हार्ड टच हो गया सर स्क्रीन पे तो 30 FPS पे सेलेक्ट हो गया था 30 FPS फ्रेम्स पर सेकेंड जिसकी वजह से जो है MBPS की बात नहीं कर रहे हो FPS की बात कर रहे हो फ्रेम्स पर सेकेंड ये जो वीडियो बनती है वो फ्रेम्स में बनती है ठीक है तो जो वीडियो चलती है वो फ्रेम्स चल रहे होते हैं एक्चुअली तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड में तो मतलब 30 फ्रेम में बनेगी एक सेकंड की वीडियो तो उसको मैंने चेंज कर दिया 60 FPS उसमें जो है वो नहीं आता लैग नहीं आता या फिर जो हम ऐसे मोड़ते हैं तो कट 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 नहीं आता 60 में मतलब फ्रेम ज़्यादा बढ़ गया ना तो वो और स्मूथ आएगा तो ये हिसाब जैसे हो रहा है अभी अरे बाहर का टेम्परेचर कितना बता रही थी 41 है चमचमाता वो धूप है मेरा तो पता ही क्या मन करता है छुट्टियां स्टार्ट हो और दिल्ली छोड़ के निकल जाओ पूरे महीने के लिए कहीं और इतना पोल्यूशन हो गया ना दिल्ली में कि आपको मतलब मैंने ये नोटिस किया कि हम जितनी बार बीमार पड़ते हैं हमें कोल्ड एंड काफ काफ जब भी होता है बहुत लंबा खींचता है स्पेशली जब मैं बाहर जाती हूँ ठीक है बट जब मन ये कर रहा है उसके लिए चाहिए रोकड़ा अच्छा या तो अपना कोई हो फार्म हाउस दिल्ली से बाहर अपनी कोई घर या फिर जगह या अपने कोई रिश्तेदार हो पहाड़ी पहाड़ों पर बट ऐसे कोई है नहीं हम सारे ही दिल्ली के दिल्ली में बसते हैं दिल्ली या फिर दिल्ली उसके अलावा कोई है ही नहीं दिल्ली या फिर दिल्ली ठीक है तो करते हैं कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ऐसी कोई रिश्तेदार ढूंढना पड़ेगा वैसे मेरे को सब कहते थे बचपन से कि तेरी शादी किसी पहाड़ी लड़की से कराएंगे बट ये मिल गई मेरे को ये वाली लड़की ये भी ठीक है पहाड़ से नीचे है थोड़ी सी तो देखो फॉलो करते करते हमें बाहर आ गए हाँ डोंट कम इससे पीछे रहना ये लक्ष्मण रेखा है तुम्हारी पीछे रहो इससे चलो आ जाओ अंदर आओ निकू कम 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 देख चली उसको चला पता चल गया जाना ना जाने दे उधर अरे गंदा हो रहा है बहुत नीचे अरे तो ये कौन सी साफ है नहा चुकी है सुबह से ही हाँ सुबह नहा ली थी ने तो अजीज हो आज की ताजा खबर निक्कू नहा चुकी है इसकी शक्ल देखो नहाई भी लग रही है हैं ओए तो ये है मेरा आज का टास्क जो कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ और बड़ा इजी टास्क दिया तुमने घर को है भाई थैंक यू सो मच तुमने कर ली अपने घर की सफाई बस ये बैठ ही रहता चलो झाड़ू पोछा भी तो होगा अभी तो वो अलग टास्क है नहीं बेटा घर की सफाई मतलब झाड़ू पोछे के साथ होता है डस्टिंग करनी है मुझे एंड झाड़ू स्वीपिंग एंड
स्वीपिंग एंड पोछा, देयर टू अदर टास्क एंड यू विल आल्सो चूज वन फ्रॉम इट। निकू क्या करेगी? निकू हमें देखेगी। तो चलते भाई अपना काम करने, अपना काम करके निपटा लेते, खत्म कर लेते जल्दी से, फिर हम बैठेंगे और कुछ अपना काम करेंगे अपना, ठीक है? हाँ। ओए क्या हो रहा है? गरीब बच्चा है। देखो भाई मैंने अपने बर्तन तो कर दिए हैं और इसमें घर की सफाई कुछ ज्यादा खास तो करी नहीं है। एक्सक्यूज मी, ठीक है एक्सक्यूज्ड। और ये दो पर्ची लेके फिर खड़ी हो गई है सामने। अब क्या तमाशा है? झाड़ू या पोछा में से कुछ होगा, है ना? मैं क्यों करूं? क्यों नहीं कर सकते? एक रीजन बता मुझे क्यों करना चाहिए झाड़ू या पोछा। हाँ? तो तू भी कर सकती है। दोनों चीज कर सकती हूँ मैं। हाँ नहीं कर सकती? कैमरा पे बोल रही है तू। मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? झाड़ू पोछा दोनों? नहीं। मैं तो कर सकता हूँ। करो। पर करूंगा नहीं। ए तू भी कुछ कर फैलाने के अलावा। देख 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 ब्रेक फेल हो जाते हैं इसके सीधे आगे जाके। शक्ल बना के खड़े हुए हैं। झाड़ू का पोछा। चलो भाई देखते हैं। ये स्वीपिंग वो क्या होता है? झाड़ू। तेरा क्या? पोछा। आई एम हैप्पी टू डू पोछा। हैं? आई एम वेरी हैप्पी टू डू पोछा। आई एम नॉट हैप्पी टू डू झाड़ू। यू वांट मी टू स्विच विद यू? नहीं पहले बेड बंद करो, ये तुम्हारा काम था। काम करो बेटा, ऐसे कर लो मैं ना। पूरी सफाई जगह में दे। देखो काम चोरी नहीं करते। काम जगह काम पूरा करो, इसको बंद करो और फिर हम करेंगे। राहुल बहुत बड़ा काम है ये, बंद कर लो प्लीज। मैं थक गई हूँ। मैंने भी बंद करो भी इतने समय थक गई। अरे तुम वो कपड़े करोगे? हाँ कर दूंगा, बंद कर इसे। बंद करते हैं वीडियो बनाओगे ना? हाँ। तुम्हारी निकू की डॉल को? हाँ ले लो। आप ले लो, जाओ ले लो ले लो। ऐसे लेके जाओ इसको अपने बेबी को, जाओ ऐसे लेके जाओ अपने बेबी को, जाओ। बेबी खुद तो संभाल ले, बेबी अपने आप को। पक भारी है ना? हाँ अभी इसके बाल नोचेगी। उल्टा क्यों कर रही है? अच्छा उठा के ले जा रही है उसे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो कहाँ फेंकने जा रही है? तो हम काम ही वाला करेंगे तब जब ये कर देंगे इसको बंद। ये इंजीनियरिंग किसने करी है बताओ सबको? सोफे की इट्स डिजाइन बाय मी, मेड बाय माय लेबर। मैं यहाँ का शाहजहां और ये मेरा ताजमहल। ये नहीं ये सोफा, ये मुमताज है। तेरे को इसी में कड़वाऊंगा अंदर। जो दो केबिन बनवाए ना फ्यूचर में इसको एक कर दूंगा तो पूरी आ जाएगी। सोफा हो चुका है बंद, अब मेरा काम शुरू होता है। वो है क्या? झाड़ू का काम। ओके तो घर की सफाई वफाई तो हो चुकी है और शाम के बजे 4:30। मैं आज आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया, आज है मिट्टी का बर्थडे और हम वहाँ पर थोड़ी देर में बस जाएंगे मिलेंगे। क्या हो रहा भाई निक्कू? ओ शहनशाह मेरी, देख तो सही स्टाइल। को भीषम कर दो, ये एक और बारी कर दो, फिर से कर दो भीषम, ये भीषम भीषम उठो उठो उठो। Yes, ये भीषम। ओए कैसे करते हैं? भीषम ओए। लड़की का अलार्म जो है वो बज चुका है बेटा। अलार्म क्या है आपका? मम मम बोलो। मार दिया। क्या चाहिए? मम 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 मम। चलो मम पिलाते हैं भाई लड़की को। मम चाहिए मम मम
मम पी लिया। ओके जी अजीजो, नहा धो करके अपन तो हो गए हैं तैयार, और मेरी स्वीट गर्ल क्यूट गर्ल को देख लो जरा कितनी प्यारी लग रही है, ये वाली भी अच्छी लग रही है, और ये देखो ये तेरी चुटिया वाली है भैया तीन तीन चुटिया पहन करके लगा करके देखो अभी उड़ जाएगी, एरोप्लेन बनी हुई है निको। वाह डांसिंग हो रही है, डांसिंग हो रही है, डांसिंग कौन से गाने पे, कौन है ये? तो हम तो चलते हैं, पता नहीं कौन कौन से गाने चल जाते हैं। इसका जो कोको मेलन चल रहा होता है ना यहाँ पे, इसके बीच में जो एड जाते हैं वो हरियाणवी गाने के आते हैं, अजीब अजीब से कुछ और ही आ रहा होता है इसके, स्पेशली निक्कू के टाइम पे ही होता है। हेलो हाँ हेलो, हम भी हैं भैया, हम भी तो हैं निक्कू, भूल गए मैं, गोदी में कौन है? चुके चाची और चाचा के घर मिट्टी बर्थडे विश करने के लिए, और ये कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने निक्कू के बर्थडे पे बनाया था। ऐसे लैम्प्स बनाए थे हर एक टेबल के लिए, जहाँ पर हमने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी उस पर रखा था एक एक टेबल पे। इसका ब्लॉग आपने देखा ही है ना, तो फिर को याद आ गया, इसको ऑन करके देखते हैं अभी भी बैटरी है कि नहीं। यस बैटरी है, क्या बात है, नाली लड़की हैप्पी बर्थडे टू यू चाची, सब विश कर दो इस लड़की को। ये ले तेरे लिए छोटी गिफ्ट चॉकलेट, ऐसे कर चाय टाइम, हैप्पी बर्थडे चाय वाली, ओह सॉरी मिट्टी चाय वाली हैप्पी बर्थडे। खाना हो चुका है तैयार, हम खाएंगे चिकन मेड बाय चाची। बोल आप आए हमारे घर में फूल के लिए हैं गुलशन, फिर हम कहेंगे चिकन को खा के आया मजा, नगाड़ा 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 बजा तो आज मिट्टी का बर्थडे है, और आज मिट्टी मिलने गई थी सबसे पहले दादी से ग्रेवियर पे, है ना मिट्टी, क्योंकि वो ज़्यादा मिस कर रही है, ये थी उनकी बेस्ट फ्रेंड, दादू से भी मिली थी, दादू दादी वहीं आसपास रहते हैं आज अब तो हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं कर रहे, बट यस दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, और इसमें खुश रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई। सो वी आर हेयर टू गिव थैंक्स, थैंक्स गिविंग के लिए हम यहाँ पर हैं, और उसी खुशी में ये खाना भी बनाए हमारे लिए जो हमें मिट्टी खिलाएगी अपने हाथों से, खिलाएगी या हम खिलाएंगे तेरे को, सेम टू सेम टू सेम, बड़े बेशर हूँ हमारा घर है कहीं भी टपक के आ जाओ, वाओ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिट्टी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिट्टी। चलो भाई चलें, बाय। ओके जीजो, तो हम आ चुके हैं घर, और ये लड़की ने आतंक शुरू कर दिया अपना, देख भाई आते गिरा दिया इसमें तेरा सारा सामान, मेकअप किट देख तो हम आ चुके घर, अब हम अपना फ्रेश अप होंगे, लेटेंगे, सोएंगे, जो करने करेंगे, क्योंकि अपन तो छुट्टियों पे है ना, है भाई ऐसा ना लगे बस हमारी छुट्टियों किसी की क्योंकि जिस जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं ना बहुत बार, मैंने देखा उसको कुछ ना कुछ कांड जरूर जाता है, सो हम चाहते कहीं भी निकले हमारी छुट्टियाँ, चाहे घर में ही निकले बेस्ट निकले, है ना निक्कू, निक्कू मैं और मम्मा, और जो आना चाहे हमारे साथ हमारे घर में, क्यों भाई मोस्ट वेलकम। अगर किसी को शिकायत होती है कि राहुल भाई अपने घर नहीं बुलाते, वो भाई छोड़ दो ये सब शिकायतें, राहुल भाई का घर हमेशा खुला हुआ है, हमेशा खुला रहेगा, इफ यू रियली वांट टू मीट अस एंड इफ यू रियली वांट टू कम हियर, इफ यू रियली वांट टू हैव फेलोशिप विद अस, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज जस्ट आने से पहले एक कॉल कर दो कि भाई हम आ रहे हैं या आना चाहते हैं, व्हाटएवर इट इज, हमारा भाई खड़ा है, खाना वाना बनाएगा बढ़िया से, सब खाएंगे बैठेंगे मजे करेंगे, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को हम एक एंड करते हैं, रात के बज रहे हैं 10:35, सो कॉन्सिक्यूटिवली दिस इज माई थर्ड ब्लॉग जो कि आप देख रहे हो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं बैकअप कर पाऊंगा ब्लॉग्स, मुझे लग नहीं रहा था कि
हो भी पाएगा कुछ, क्योंकि वो अंदर से कम बैक अंदर से ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। बट एनी वेज ये फ़ोन शायद मेरे लिए इंस्पिरेशन रहा है, इंस्पिरेशन कह लो या फिर एक सोर्स कह लो वापस आने का। तो अब मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें, तो मैं इसको यूज करूँगा। सो एनी वेज दिस इज ऑल फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट वॉक, टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड योर लव इज ऑल वी नीड, सेंड इट टू ऑल वी नीड, बाय कर दो, बाय, इधर ऊपर करो, हां बाय, अपने आप को ही कर रही हूं।